प्रदेश की संस्कृति को संजोए रखने के उद्देश्य से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल लोक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहाड़ी संस्कृति, वेशभूषा, नृत्य गायन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या नाहन के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित हुए, जिसमें जिला भर से आए सांस्कृतिक दलों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिरमौरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ रेणुका के विधायक विनय कुमार ने दीप प्रज्वलन से किया। सांस्कृतिक संध्या से जहां सिरमौरी नाट्यों का आयोजन हुआ, तो वहीं प्राचीन गायन, बच्चों की मॉडलिंग सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। रेणुका के विधायक विनय कुमार ने बताया कि प्रदेश के समृद्ध पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है और इसी तरह के आयोजन होने से जहां संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तो वहीं स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी मिलता है। इस सांस्कृतिक संध्या में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए और लोगों ने इनका आनंद लिया। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। हिमाचल उत्सव सिरमौर जिला में मनाया गया है और नाहन में इसका छठा जो ये उत्सव है यहाँ मना रहे हैं। यहाँ हमारी ये जो युवा टीम है, जो युवा मंडल है, इनके बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं और डायनेमिक युवा मंडल को मैं बताऊँगा जितने भी इसमें शामिल है कि इनका जो ये प्रयास है ये बिल्कुल सार्थक है और अच्छा प्रयास है लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ऐसे मेले का आयोजन हर वर्ष नाहन चौगान में होना चाहिए और हम भी इसको अच्छा पब्लिसाइज करेंगे, लोगों के बीच में इसका एक अच्छा मैसेज आएगा और हमारे लोकल कलाकारों को भी यहाँ मंच मिलता है और बाहर से आए हुए कलाकारों को भी यहाँ अवसर मिलता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और